फिर बातें करनी है सब। नमस्कार जी, मैं धर्मेंद्र अंसारी, इस समय की ताज़ा खबर लेकर के बीच बीच लाइव जुड़ गया हूँ पानीपत के टोल प्लाजा से। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको वीडियो किसान कुछ मैं के लिए तैयारी करेंगे और समय तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत से, पानीपत के टोल प्लाजा से। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँ, काफ़ी मात्रा में जो किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ से दिल्ली की तरफ कुछ करने की तैयारी है। हज़ार की संख्या में यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको बता दूँ। और अभी से कुछ ही देर में जो है कि यहाँ दिल्ली रवाना होंगे। पिछले कुछ दिनों से निरंतर लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई जो है कि पानीपत के किसान इकट्ठा नहीं हो रहे। आज जो है कि किसान जो है कि पानीपत के इकट्ठा हुए हैं पानीपत के टोल प्लाजा पर। यहाँ से जो है कि भारी मात्रा में यहाँ से किसान निकलेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज मोदी सरकार की बिसात को हिलाने के लिए यहाँ पर जो है कि किसान इकट्ठा हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में जो है कि यहाँ से जो है चलने का जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद जो है कि यहाँ से रूपरेखा जो तैयार होगी, रूट तैयार होगा और उस रूट के बाद जो है कि और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन चटूनी की, इसके अंदर जो है कि डीएसपी संदीप जो है कि गुरुनाम सिंह चटूनी से मीटिंग, रूट जो रोड मैप है उसकी कुछ डिस्कस उसमें कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और एसएचओ जो है कि सेक्टर 73 सुनीता यहाँ पर पहुँची हुई है, दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ जी। और जो है कि यहाँ की जो अगुवाई करेंगे जो निहंग सिंह हैं, घोड़ों पर सवार होकर जो है कि यहाँ से निकलेंगे, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूँ। नगाड़े के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, साथ ही साथ युवा साथी दिख रहे होंगे बुलेट पर जो सवार होकर के जो है कि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और जो युवा साथी हैं बाइकों पर भी जो है कि आगे चलेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय सीधी तस्वीरें हैं। कहाँ के लिए तैयारी है दिल्ली के जी? तो कितने की बाइकें यहाँ से जाएंगी, गाड़ियाँ कितनी जाएंगी? कुछ कई हज़ारों बाइकें जी, 5-6 हज़ार के करीब गाड़ियाँ हैं। समय क्या है, किस समय यहाँ से निकलेंगे? बस अभी चलने वाले आधे घंटे में। आधे घंटे में जी। गुरुनाम सिंह चटूनी जी पहुँचे हैं, साथ साथ कितनी गाड़ियाँ की व्यवस्था हो पाई अभी बताओ आपको? यहाँ 7 हज़ार के करीब गाड़ियाँ जाएंगी। 7 हज़ार के करीब? हाँ, मैं आपको बता दूँ 7 हज़ार के करीब जो गाड़ियाँ बताई जा रही है जो जाएंगी यहाँ से। और गुरुनाम सिंह चटूनी जी पहुँचे हैं यहाँ पर, जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान भारतीय किसान यूनियन के, चटूनी ग्रुप के, और वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डीएसपी संदीप जो है उनसे बातचीत हो रही है, रोड मैप रूट तैयार हो रहा है, किधर से निकलेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, इन सभी बातों को लेकर के आपसे लाइव जुड़ा हूँ। और जो निहंग सिंह है वो पहुँचे हुए हैं यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ, जो है कि पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं। और आपको बता दूँ ये कि ढोल नगाड़ों के साथ साथ जो है कि यहाँ से पूरी तैयारी होगी और व्यवस्था आप देख लीजिए किस प्रकार जो है कि ढोल नगाड़ों के साथ पूरी व्यवस्था। आप देख रहे हैं इस समय ढोल नगाड़ों के साथ जो कि पहुंचे हुए हैं और नगाड़ा बजा दिया है। यहाँ से सुबह जो की पानीपत की जो तीसरी लड़ाई, चौथी लड़ाई की तैयारी यहाँ पर जो पूर्ण कर ली गई है और पूरे दल बल के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। बता दूं आपको निहंग सिंह पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ आपको बता दूं घोड़े लेकर के पहुंचे हुए। घोड़े
कुछ ही देर में यहाँ पर जो घोड़े आ जाएंगे और उस पर सवार होकर यहाँ से अगवाई सिंह करेंगे। वैसे तो क्या तैयारी है और क्या दिल्ली तक घोड़ों पर सवार होकर आप निकलेंगे? घोड़े काटियां कही जाने की तैयारी है। तो ये बातचीत हमने करने की कोशिश की है, हमारे साथ अंकल जी है, काफी दिन पहले भी आपसे बातचीत करवाई थी। और ये जो गाड़ी है इस पे लिखा है किसान मजदूर जिंदाबाद, 6 महीने से 600 किसान सही हो चुके हैं, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, बहुत हुआ किसानों पर जबरदस्त मोदी सरकार, इस प्रकार के स्लोगन जाके गाड़ी के ऊपर लिख करके अपना रोज रोज प्रदर्शन और अपनी मांग जाके जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर के आई है और उनको जाके निरस्त कराने की बात बार बार कही जा रही है। नमस्कार सर, एक बार ये जो पंजाबी में लिखी लाइने हैं उसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और आप इसको बखूबी रूप से पढ़ के बता दीजिए। बिल्कुल अंबाला जिस दिन यहाँ से गाड़ियां निकली थी उस दिन भी आप यहाँ पहुंचे थे, मतलब जब भी यहाँ से गाड़ियां निकलती है पूरा अपना समर्थन सहयोग देने के बारे में बिल्कुल ये व्यवस्था दे। नाम बताइए सर। रजिंदर सिंह बाली मोहाली से। कहाँ से आप? मोहाली पंजाब। मोहाली पंजाब, मोहाली पंजाब से भी किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं और निरंतर जितनी भी गाड़ियां हैं आपको बता दूं जब भी कोई प्रदर्शन होता है यहाँ पे पहुंचते हैं और हरियाणा से भी था मौजूद है। ताऊ राम राम, कितने लोग जाओगे? काम कौन से काम था? कई हजार जाओगे, कई थे। हाँ कई गांव से? हाँ महिपाल डांडा गांव है। हाँ। तो वहीं से जाएंगे। हाँ। वहाँ के किसान भी क्यों? वहाँ के किसान भी जाएंगे, वो तो बीजेपी का जो विधायक है। ये जो सीधी तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं पानीपत के टोल प्लाजा से देख रहे हैं और ये जो भाषा है, मैं भाषा की भाषा का समर्थन तो नहीं करूंगा परंतु लोगों के अपने अपने विचार हैं और उन विचारों को ना तो हम बदल सकते हैं और ना कुछ उनको समझा सकते हैं इस समय, और किसी को समझाना इस समय ठीक भी नहीं है क्योंकि मानने वाले भी नहीं है। सबसे कुछ ही देर में जाके यहाँ से काफिला जो है निकलने की तैयारी में है और ये तस्वीरें आपको लेकर के मैं लाइव जुड़ गया था इस समय, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस प्रशासन डीएसपी एसपी कुछ ही देर में एसपी साहब यहाँ पहुँचेंगे और मैं बता दूँ आपको पुलिस प्रशासन ने भी अपना मोर्चा संभाला है, जो रोड मैप इनको दिया गया उसी के अकॉर्डिंग जो है कि यहाँ से चलने की तैयारी रहेगी, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे जो पुलिस प्रशासन और पुलिस मुलाजिम यहाँ पर मौजूद है, जो एरिया जिनका लगता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उन सभी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और अभी आपको दिखाएंगे गुरु सिंह रोडी का जगह स्वागत यहाँ पर हो रहा है। भाई मेरा सर आप दीजिए दोस्त बैठ जाओ, सभी साथी सभी से प्रार्थना बैठ जाओ। बड़ी बहुत मेहनत करी है, जातर गांव में गए हैं,
सारे पत्रकार साथियों से भी थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, आप भी बैठ जाओ, अनिता बैठ जाओ। तो अब दो मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे हरिंदर राणा जी जो प्रधान पानीपत जिले के। धन्यवाद बोलो जगदीप, भाषण को बात नहीं है, हम यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन स्वागत है। बाद में सारी विस्तार से हमारे बप्पर सेठ सरदार चरण सिंह आपके बीच में रखेंगे। मैं तो एक बार यहाँ सरदार चरण सिंह साहब का आपके बीच पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। एक तो पता बोल लेंगे क्योंकि आप लोग काफी गर्मी है, फिर सरदार जी अपना अध्यक्षीय भाषण करेंगे। सरदार गुरनाम सिंह चटनी जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे हैं। चौदह तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सबसे निवेदन है भाई थोड़ा सा गैप दे क्योंकि सब मीडिया वाले साथियों से निवेदन है। स्पेशल अभी जो अंदर जो पंडाल है उसमें दो तीन मिनट का आपका जो है प्रधान जी आपको प्रेस संबोधित कर वक्तव्य चलेंगे। आप थोड़ा सा महिलाओं की जरूरत ज्यादा नहीं है क्योंकि लंबी लिस्ट ज्यादा के लिए पहुंचना है। तो महिलाओं से माता शक्ति हमारे बीच में पहुंची है, वो भी अपने विचार रखेंगे। सविता आर्या जी हैं, नारितो नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के आप लोगों का हौसला, आप लोगों की ताकत। आप लोगों का हौसला पानीपत जिले की किसानों की एकता देखने के लिए किसान यूनियन सिरसा से डॉक्टर मोनिका गोदारा हमारे बीच में पहुंची हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और कमल फरीद जी हैं सिरसा जिले के गांव राजा खेड़ा की सरपंच हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री तारिया जी, सबसे पहले तो एक नारा लगाएंगे सभी किसान शक्ति मीडिया कर्मी वगैरह निवेदन किया, आग्रह किया कि सभी किसान साथ आगे आए और पानीपत के किसान भी ये दिखा दे कि पानीपत की धरती से जहां से तीन लड़ाई लड़ी गई यहां से चौथी लड़ाई आगाज यहां से हुआ, किसानों की जो चौथी लड़ाई है वो पानीपत की धरती से आगे आगाज हुआ है कि हम किसी से कमजोर नहीं है। और मैं मीडिया कर्मियों के